श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 22.2 तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदाजना भावराज्य व रूप दर्शन। श्री राम कृष्ण समाधि में मग्न है। काफी समय हुआ, भाव के आवेश में पूर्ण बने बैठे हैं। न देह डुलती है, न पलकें गिरती हैं, सांस भी चलती है या नहीं जान नहीं पड़ता। बड़ी देर बाद आपने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो इंद्रिय राज्य में फिर लौट रहे हैं। श्री राम कृष्ण प्राण कृष्ण से, वे केवल निराकार नहीं साकार भी हैं। उनके रूप के दर्शन होते हैं, भाव और भक्ति से उनके अनुपम रूप के दर्शन मिलते हैं। मां अनेक रूपों में दर्शन देती है। कल मां को देखा, गेरुए रंग का अंगरखा पहने हुए मेरे साथ बातें कर रही थी, और एक दिन मुसलमान लड़की के रूप में मेरे पास आई थी। कपाल पर तिलक पर शरीर पर कपड़ा नहीं, 6-7 साल की बालिका, मेरे साथ साथ घूमने और मुझसे हंसी ठट्ठा करने लगी। गौरांग दर्शन, रति की मां के वेश में मां। जब मैं हृदय के घर पर था तब गौरांग के दर्शन हुए थे। वे काली धारीदार धोती पहने थे। हल्धारी कहता था वे भाव और अभाव से परे। मैंने मां से जाकर कहा, मां हल्धारी ऐसी बात कह रहा है तो क्या रूप आदि मिथ्या है? मां रति की मां के रूप में मेरे पास आई और बोली, तू भाव में ही रह। मैंने भी हल्धारी से यही कहा। कभी कभी यह बात भूल जाता हूं, इसीलिए कष्ट भोगना पड़ता है। भाव में न रहने के कारण दांत टूट गए। अतियो दैव वाणी या प्रत्यक्ष न होने तक भाव में ही रहूंगा, भक्ति ही लेकर रहूंगा। क्यों, तुम क्या कहते हो? प्राण कृष्ण, जी हां, भक्ति का अवतार क्यों राम की इच्छा। श्री राम कृष्ण, और तुम्ही से क्यों पूछूं? इसके भीतर कोई एक रहता है, वही मुझे इस तरह चला रहा है। कभी कभी मुझ में देव भाव का आवेश होता था, तब बिना पूजा किए चित्त शांत न होता था। मैं यंत्र हूं और वे यंत्री, वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं। जो कुछ बुलवाते हैं मैं वही बोलता हूं। श्री राम कृष्ण ने भक्त राम प्रसाद के गीत की पंक्तियां उदाहरण के लिए कही। उसका अर्थ यह है, भव सागर में अपना डोंगा बहाकर उस पर बैठा हुआ हूं, जब ज्वार आएगी तब पानी के साथ साथ मैं भी चढ़ता जाऊंगा, और जब भाटा हो जाएगा तब उतरता जाऊंगा। श्री राम कृष्ण, जूठी पत्तल हवा के झोंके से उड़कर कभी तो अच्छी जगह पर गिरती, कभी नाली में गिर जाती,
हवा जिधर ले जाती है उधर ही चली जाती है। जुलाहे ने कहा, राम की मर्जी से डांका डाला गया, राम की ही मर्जी से मुझे छोड़ दिया। हनुमान ने कहा, हे राम, मैं शरणागत हूँ। यही आशीर्वाद दीजिए कि आपके पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति हो, फिर कभी आपकी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हूं। मेढक मरते हुए बोला, राम, जब सांप पकड़ता है तब तो राम रक्षा करो कहकर चिल्लाता हूं, परंतु अब जबकि राम ही के धनुष से बिंध कर मर रहा हूं तो चुप्पी साधनी ही पड़ी। पहले प्रत्यक्ष दर्शन होते थे इन्हीं आंखों से, जैसे तुम्हें देख रहा हूं, अब भावावेश में दर्शन होते हैं। ईश्वर लाभ होने पर बालकों का सा स्वभाव हो जाता है, जो जिसका चिंतन करता है वह उसकी सत्ता को भी पाता है। ईश्वर का स्वभाव बालकों जैसा है, खेलते हुए बालक जैसे घरौंदा बनाते, बिगाड़ते और फिर से बनाते हैं, उसी तरह वे भी सृष्टि स्थिति और प्रलय कर रहे हैं। बालक जैसे किसी गुण के वश में नहीं है, उसी प्रकार वे भी सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। इसीलिए जो परमहंस होते हैं वे 10-5 बालक अपने साथ रखते हैं अपने पर उनके स्वभाव का आरोप करने के लिए। आगरपाड़ा से एक 20-22 साल का लड़का आया हुआ है। जब वह आता है श्री राम कृष्ण को इशारा करके एकांत में ले जाता है और वहीं चुपचाप अपने मन की बात कहता है। यह अभी हाल ही में आने जाने लगा है। आज वह निकट आकर फर्श पर बैठा। श्री राम कृष्ण उसी लड़के से आरोप करने पर भाव बदल जाता है। प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे कामादि रिपु नष्ट हो जाते हैं, ठीक स्त्रियों के से हाव भाव हो जाते हैं। नाटक में जो लोग स्त्रियों का काम करते हैं उन्हें नहाते समय देखा है, स्त्रियों की तरह दांत मांजते और बातचीत करते। तुम किसी शनिवार या मंगलवार को आओ। प्राण कृष्ण थे। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है, शक्ति न मानो तो संसार मिथ्या हो जाता है। हम तुम घर परिवार सब मिथ्या हो जाते हैं। आद्या शक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व है। बिना आधार के कोई चीज कभी ठहर सकती है? बिना खूंटियों के न तो ढांचा खड़ा रह सकता है और न उस पर सुंदर मूर्ति ही बन सकती है। विषय बुद्धि का त्याग किए बिना चैतन्य नहीं होता, ईश्वर नहीं मिलते। उसके रहने ही से कपटता आ जाती है। बिना सरल हुए कोई उन्हें पा नहीं सकता। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई, सेवा बंदी और अधीनता सहज मिले रघुराई। जो लोग विषय कर्म करते हैं, ऑफिस का काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए। सच बोलना कलिकाल की तपस्या है। प्राण कृष्ण, अस्मिन् धर्मे महेशि स्यात् सत्यवादी जितेन्द्रिय, परोपकार निरतो निर्विकार सदाशय। यह महानिर्वाण तंत्र में लिखा है। श्री राम कृष्ण, हाँ, इसकी धारणा करनी चाहिए। राम कृष्ण शरणम शरणे, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरणे।
है।